हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 18 फरवरी 2019 की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। समाचारों में बात करते हैं पहली न्यूज की। न्यूज फर्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस यूएन अपॉइंटेड चंद्रमौली रामानाथन एज द कंट्रोलर एंड असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी एएसजी फॉर प्रोग्राम प्लानिंग बजट एंड फाइनेंस इन द मैनेजमेंट प्लान पॉलिसी एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट। दे विल रिप्लेस उरुग्वेज बैटिना तुसी बार्टिसोटा। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने प्रबंधन योजना नीति और अनुपालन विभाग में कार्यक्रम योजना बजट और वित्त के लिए चंद्रमौली रामानाथन को नियंत्रक सहायक महासचिव नियुक्त किया है। वे उरुग्वे के बैटिना तुसी बार्टिसोटा के जगह लेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर द टेररिस्ट अटैक on the CRPF in Pulwama, the Indian government withdraw the status of most favored nation MFN on February 15, 2019, giving a jolt with a diplomatic blow to Pakistan. This decision was taken after the meeting of the Security Committee of the Cabinet headed by Prime Minister Narendra Modi. पुलवामा में सीआरपीएफ पर आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने फरवरी 15, 2019 को पाकिस्तान पर कूटनीतिक वार के साथ ही कारोबारी झटका देते हुए उससे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक के बाद लिया गया। मेरे प्यारे साथियों, सभी सीआरपीएफ जवानों को यूवी कंपटीशन परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि एवं सत सत नमन। नेक्स्ट, महारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एंड डिट्यूच गैस लफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुमेरोबिएट इन्फॉर्मेशन एंड इनोवेशन फैसिलिटी सेल वाज इनोग्रेटेड ऑन February 15, 2019। IIFC इनोग्रेटेड इन पुणे अंडर इंडो जर्मन MSME इनोवेशन प्रोजेक्ट। मेहराट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और डच गैसलेसाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जिसे मेमनियरेस्ट सूचना और नवाचार सुविधा सेल का उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को किया गया। IIFC का उद्घाटन पुणे में इंडो सीनियर IRS ऑफिसर प्रमोद चंद्र मोदी वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड CBTT ऑन February 15, 2019। मोदी द 1982 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स कैडर हैज बीन अपॉइंटेड टू रिप्लेस सुशील चंद्रा हु वाज नेम्ड एज इलेक्शन कमिश्नर। वरिष्ठ IRS अधिकारी प्रमोद चंद्र मोदी को फरवरी 15, 2019 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर संवर्ग के अध्यक्ष मोदी को सुशील चंद्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें चुनाव आयुक्त नामित किया गया था।
नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट एजेंसीज एंड पार्टनर्स पार्टिसिपेटेड इन म्यांमार एंड अप्लाइड टू पे 9 लाख रोहिंग्याज हु कैम टू बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों एवं साझेदारों ने म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आए 9 लाख से ज़्यादा रोहिंग्याओं की सख्त ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 92 करोड़ डॉलर देने की अपील की है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है और सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें। यूवी कंपटीशन चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।